साथियों, काफ़ी दिनों बाद आज मैं आपके लिए एक नई लोकेशन से चंपावत सर्किट हाउस, यहाँ से लगभग लगभग पूरा चंपावत शहर कवर होता हुआ। तो ये चंपावत की बसावट है। चंपावत जो एक ऐतिहासिक नगरी, यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी। इसमें एक तो बरसात का सीज़न है, थोड़ा जूम करके ले चलते हैं आपको। लास्ट में आपको कहीं एक साथ कई बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो जहाँ नो दे चंपावत। ये शहर के बीचों बीच गोरल चौड़ मैदान, जहाँ पर इस समय फुटबॉल मैच का आज आयोजन हो रहा है। और थोड़ा और पीछे चलेंगे तो यहाँ से लगभग लगभग लोहाघाट की तरफ आपको रास्ता दिखाई देगा, लोहाघाट को जाने वाला। यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर पे लोहाघाट, और ये सुंदर सा सर्किट हाउस बना हुआ। और यहाँ का हेलीपैड है, जहाँ पर मुख्यमंत्री या कोई भी गणमान्य व्यक्ति आते हैं तो यहीं पर उनकी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है। और इस समय खिलाड़ी लोग इस जगह का आनंद क्रिकेट खेल कर ले रहे हैं। बहुत सुंदर हवाएं यहाँ पर बह रही हैं। दूर दूर से लोग, व्यू पॉइंट है यहाँ का ये, तो यहाँ पर आते हैं दर्शनार्थ। देखिए चंपावत के सुरम्य दृश्य। इसी रास्ते में मुझे डाक बंगला भी दिखा था, जहाँ सन 1901 में स्वामी विवेकानंद जब मायावती अद्वैत आश्रम आए थे, तो रात में 18 जनवरी 1901 की रात्रि में उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। तो इसी मार्ग पर पड़ता है। काफ़ी दिनों से मैं इस जगह को देख रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था इस जगह पर। तो आज ऐसा संयोग बना कि हम आपको चंपावत के सुरम्य वादियों के दर्शन करा पाएँ। तो यहाँ पर अभी विकास के कई संभावनाएं हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी मैदानी यहाँ पर भी है, लेकिन विकास धीरे धीरे, शहरी विकास तो आप देख सकते हैं, मकानों का झुरमुट है, लेकिन और भी संभावनाएं काफ़ी आने वाले समय के लिए, क्योंकि ऑल वेदर रोड के काफ़ी करीब है। यहाँ से आपको टनकपुर पहुँचने में केवल 2 घंटे लगते हैं और आप मैदानी इलाकों में पहुँच जाते हैं। तो देवदार के वृक्ष, कहीं पर चीड़ आपको दिखाई देगा, सुंदर सुंदर मंदिर यहाँ आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर शहर के बीचों बीच एक ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित रखा है, जिसे हम बालेश्वर मंदिर कहते हैं। पालोचंद ने इसका निर्माण किया था, और चंपावत शहर जो है ये पालो कल्याण चंद ने ही इसे बसाया था। तो देखिए ये पेड़ों की झुरमुट। यहाँ पर आपको ज़्यादा संख्या में बुरांस, देवदार और चीड़ भी देखने को मिलेगा। तो पूरा 360 एक बार फिर से आपके लिए सर्किट हाउस चंपावत से। आशा करता हूँ आप इन दृश्यों का आनंद लेंगे, और अलग अलग एंगल से कुछ दर्शनीय स्थल हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, ऐसे ही चमक सुंदरता आपके जीवन में बिखरी रहे। धन्यवाद।